हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है इक्विवेलेंट कंसेप्ट, और हम आज की क्लास में भी उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए आते हैं हमारे चैप्टर पे। हमारा आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की है रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। हमने ये कहा है जिन रिएक्शंस में रिडक्शन होता है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन अकर होता है, उन रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। और हमने ये कहा था ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है, अगर रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर किसी भी एलिमेंट का रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो हम इसे रिडक्शन कह देते हैं। हम लोगों ने ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ये भी देखा था, और रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ये इस बारे में भी हम लोगों ने बात की है। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को भी स्टडी किया था। हमने कहा है रेडॉक्स रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर भी होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर भी होती है, डिसप्रोपोर्शनेशन भी होती है और कम प्रोपोर्शनेशन भी होती है। तो ये सारे थे हमारे पास टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन कभी भी क्वेश्चन में आपको बैलेंस दी जाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने चैप्टर मोल कंसेप्ट में पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करते हुए किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, और बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने तीन तरह के मेथड पढ़े हैं, विजुअल मेथड, हिटन ट्रायल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। उसी तरह से इक्विवेलेंट कंसेप्ट में जो भी रेडॉक्स रिएक्शन दी जा रही है जिसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है उसे भी बैलेंस करना ज़रूरी हो जाता है, ओके। तो हम आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ओके स्टूडेंट। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है बैलेंसिंग, हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है वही वो यही है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जो भी रेडॉक्स रिएक्शन आपको दी जा रही है उसकी बैलेंसिंग किस तरह से की जा सकती है, इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग कर रहे हैं टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हर रिएक्शन को बैलेंस करना इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाता है, ओके। तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और सेकंड हमारे पास में हो जाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आइदर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कह देते हैं इसे, और हम इसे हाफ सेल रिएक्शन भी कहते हैं। हाँ, हम इसे हाफ सेल मेथड भी कह देते हैं। इज दिस क्लियर? दो तरह के मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब मैं दोनों ही मेथड आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ बाय एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी स्टेप कि ऑक्सीडेशन नंबर के कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से स्टेप हैं, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के कौन कौन से स्टेप हैं। तो चले रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ओके। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में, ओके। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में। तो मैंने आपसे कहा कि हम एक एग्जांपल के थ्रू इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जांपल हमारे पास में क्या है, रिएक्शन आपको दी गई है मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड दैट विल गिव यू मैग्नीशियम नाइट्रेट, दैट विल गिव यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये वाटर मॉलिक्यूल भी हमें प्रोवाइड कर देता है। क्लियर है? हमारे पास में मैग्नीशियम जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है।
स्टूडेंट, देख करके आपको पता चल रहा है कि ये रिएक्शन एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, बट ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। अगर मैं इस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं हमारा स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन हमारा क्या हो जाएगा? इट इज असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एटम ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी रिएक्शन आपको दी गई है उसके हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आप असाइन कर दीजिए। जैसे कि मैग्नीशियम की बात करता हूँ, मैग्नीशियम एलिमेंटल स्टेट में ही है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? जीरो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूल HNO3 के बारे में। तो स्टूडेंट, ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन नंबर -2। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +1 होगा। तो अगर मैं नाइट्रोजन का X मानते हुए और पूरा मॉलिक्यूल हमारा न्यूट्रल है उस तरह से कैलकुलेट करूँ, तो हमारे पास नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +5। क्लियर? चलिए, ये बात हो गई रिएक्टेंट की। अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैग्नीशियम हमारा टर्न हो रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट में, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा सेम ही रहेगा +5। ऑक्सीजन का नंबर आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर -2। बट अगर मैं बात करता हूँ, देखो नाइट्रोजन यहाँ पर रिएक्टेंट में एक ही कंपाउंड है, लेकिन प्रोडक्ट में दो अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं नाइट्रोजन के, तो हमारे पास कंपाउंड आ जाता है N2O। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर -2 है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। और वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। स्टूडेंट, लुक एट द रिएक्शन केयरफुली। जब मैंने सब एटम को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिया है, क्लियर है? अब हमें ये पता लगाना है, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना क्यों ज़रूरी था? अब हमें ये पता लगाना है कि इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो स्टेप सेकेंड हमारे पास में हो जाएगा आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको पता लगाना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए, मैग्नीशियम जा रहा है मैग्नीशियम +2 में। क्या ये इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर है? बिल्कुल है। क्या ये मेरे पास में ऑक्सीडेशन होगा? बिल्कुल होगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम हमारा टर्न हो गया है मैग्नीशियम +2 में। ये हमारे पास प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन का। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इसे अगर मैं आयोनाइज कर देता हूँ, तो NO3-2 का जो आयन है ये कन्वर्ट हो रहा है N2O में। देखो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है? +5। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। तो क्या +5 से +1 में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होना रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर है? बिल्कुल है। तो ये मेरे पास में हो गया रिडक्शन। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? यहाँ पर मैग्नीशियम गया। देखो, अगर ये कंपाउंड आयोनाइज होगा तो Mg+2 बनाएगा और NO3-1 बनाएगा, तो मैंने उसको आयोनिक फॉर्म में ही लिखा है, और यहाँ पर भी हम आयोनिक फॉर्म में ही रिएक्शन को लिख रहे हैं। क्लियर? ये समझ में आ गई बात सभी को? चलिए, हमारा स्टेप नंबर 3 बन जाता है। देखो, यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, हम नंबर हम देख रहे हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। हम देख रहे हैं आइडेंटिफाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। आपको क्या करना है, हर एटम में जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये चला गया मैग्नीशियम +2 में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास में है 2 पर एटम। पर एटम में हमारे पास कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है? 2 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज
हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो NO3 माइनस टू है जो प्लस फाइव से जा रहा है आपके पास N2O में। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन है तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 4 पर एटम। हर एटम पर नाइट्रोजन के हर एटम पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, 5 से 1 में जा रहा है, मतलब 4 ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम का चेंज हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन स्टूडेंट इन दोनों रिएक्शन को गौर से देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम का एटम एक है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम का एटम एक है, रिएक्शन बैलेंस है, मतलब ये आयोनिक रिएक्शन बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का एटम एक ही है और यहाँ पर नाइट्रोजन का एटम दो है। ठीक है, यहाँ पर कितने एटम है नाइट्रोजन के प्रोडक्ट में, दो, रिएक्टेंट में कितना है, वन। देखो ये एक नाइट्रोजन का एटम कन्वर्ट हो रहा है प्लस वन में, तो ये एक एटम के रेस्पेक्ट में ही बात हो रही है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं 2 × 4 मीन्स 8 पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। आपको क्या करना है, रिएक्शन में जिस नंबर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा उसको बैलेंस करके आप ये देख सकते हो। समझ में आ गई बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? अगर मैं यहाँ पर ये 2 नहीं लिख रहा था, इसका मतलब सिर्फ नाइट्रोजन का एक एटम है जो प्लस 5 से प्लस 1 में जा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में तो 2 हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो 2 नाइट्रोजन के एटम ऐसे हो जाएंगे जो प्लस 5 से प्लस 1 में जा रहे हैं। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 8 पर एटम हो गया। ठीक है, सॉरी, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 8, और यहाँ पर कितना है, 2। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है? अच्छा, आप लोगों को ये बात भी समझ में आ रही है कि ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन है, मतलब हम 2 को क्या समझ रहे हैं, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का चेंज होने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और अगर यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 8 है, इसका मतलब ये है इट इज़ अ गेन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन जाएगा, ये गेन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ही होने चाहिए, हाँ या नहीं? बिल्कुल सही। तो अगर यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन लॉस भी तो होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करें, क्या मैं इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? अगर मैं इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन का ही है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो हम क्या कर देते हैं, 4mg दैट विल गिव यू 4mg+2, यस और नो? और ये हमारे पास रिएक्शन एज इट इज ही है, 2NO3-2 दैट विल गिव यू N2O। ये बात समझ में आ गई? अब आप क्या कीजिए, इन दोनों रिएक्शंस को जो हाफ हाफ पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया था उनको ऐड कर दीजिए। तो हम स्टेप 4th हमारा लिख रहे हैं, ऐड बोथ हाफ रिएक्शन, दोनों जो रिएक्शन आपने स्प्लिट की थी उन्हें ऐड कर दीजिए। तो हमारे पास में रिएक्शन क्या बन जाएगी, इट इज़ 4mg+2NO3-2 दैट विल गिव यू 4mg+2+N2O। क्या हमारे पास में यही रिएक्शन बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिएक्शन ऐड करने के बाद रिजल्ट आया है, हम उसे आयोनिक फॉर्म को फिर से जो रिजल्टिव रिएक्शन हमें दी गई थी उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, कन्वर्ट आयोनिक इक्वेशन टू न्यूट्रल इक्वेशन। आप क्या करो, जो हमारी ये आयोनिक इक्वेशन है इसको न्यूट्रल इक्वेशन जो इनिशियल आपको दी गई थी उसमें कन्वर्ट कर दो। देखो mg है, यहाँ पर भी mg है, कितना है, 4mg,
प्लस यहाँ पर NO3 है और 2 है, यहाँ पर HNO3 है, तो क्या मैं यहाँ पर 2HNO3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि HNO3 जो है उसके दो आयन अवेलेबल हैं, तो हम HNO3 भी डबल कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 4Mg, ये Mg प्रोडक्ट साइड कहाँ पर है? NO नाइट्रेट आयन के साथ में है, तो ये बन जाएगा 4Mg NO3 का होल ट्वाइस, प्लस NO2 हमारा एज इट इज ही है, प्लस H2। ये बात समझ में आ गई? हमने क्या किया, जो आयोनिक रिएक्शन थी उसको न्यूट्रल रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 6 हमारा परफॉर्म कर रहे हैं, और वो क्या है, बैलेंस, नॉट बैटेंस, लेट मी रीराइट इट अगेन, बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आपको क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एटम है उन एटम को आप बैलेंस कर दीजिए। अब देखो, मैग्नीशियम फोर है, बिल्कुल सही है, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। देखो, अब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कौन सा एटम रह गया है, वो है नाइट्रोजन, क्योंकि मैग्नीशियम तो बैलेंस ही है, नाइट्रोजन इनबैलेंस है। अब देखो, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने हैं, 2। HNO3 के टोटल देखो, HNO3 के एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन है, और ऐसे दो मॉलिक्यूल हो गए तो दो नाइट्रोजन हो गए रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट साइड आते हैं, प्रोडक्ट साइड हमारे पास में नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, देखो MgNO3 के एक मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन के एटम हैं, और ऐसे चार नाइट्रोजन के ऐसे चार मैग्नीशियम नाइट्रेट के मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल हमारे पास में हो गए 8 + 2 = 10। देखो, ये 2 जो है इस पूरे ब्रैकेट पर है, मतलब 2 नाइट्रोजन के एटम हैं इस मॉलिक्यूल में, और ऐसे चार मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल 8 नाइट्रोजन के एटम यहां पर हो गए और 2 यहां पर हो गए, तो 8 + 2 कितने हो गए हमारे, 10। यहां पर 2 नाइट्रोजन एटम है, यहां पर 10 नाइट्रोजन एटम है, तो अगर मैं यहां पर 5 से अगर मैं यहां पर 10 कर दूं, तो क्या मेरे दोनों नाइट्रोजन एटम बैलेंस हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4Mg + 10 HNO3, दैट विल गिव यू 4Mg NO3 होल ट्वाइस + N2O + H2O। स्टूडेंट देख लीजिए रिएक्शन को देख लीजिए। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग की। हमारा स्टेप 7th क्या आ जाएगा, नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। अब आपको क्या करना है, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम बैलेंस करने हैं। अब ये देखिए, मैग्नीशियम बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन हमारा इम्बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं वाटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हमारे पास में हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा? बिल्कुल, 4Mg + 10 HNO3 दैट विल गिव यू 4Mg NO3 होल ट्वाइस + N2O + 5H2O। क्या हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है? बिल्कुल हो गया है। क्या अब हम ऑक्सीजन पर फोकस करें? स्टूडेंट ऑक्सीजन देखिएगा, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, देखो HNO3 के एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन के एटम हैं और ऐसे 10 मॉलिक्यूल हैं, मतलब हमारे पास में 30 ऑक्सीजन के एटम हैं, हमारे पास 30 ऑक्सीजन के एटम हैं, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो मैग्नीशियम नाइट्रेट के एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन के एटम हैं और ऐसे 6 मॉलिक्यूल हैं, मतलब हमारे पास में 6 × 4 = 24 ऑक्सीजन के एटम हो गए। यहाँ पर कितना है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, प्लस यहाँ पर कितना है, 5 ऑक्सीजन का एटम है, टोटल 30 ऑक्सीजन के एटम हो गए हैं। जैसे ही मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 5 लगाया, मेरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए हैं। क्लियर है ये बात? तो स्टूडेंट ये जो लास्ट रिएक्शन हमारी आ रही है, ये जो रिएक्शन हमने लिखा है, इट इज़ अ बैलेंस्ड
रिएक्शन, जो हमारा टास्क था, जो हमारा इंटेंशन था, वो रिएक्शन बैलेंस हो गई है। आप लोग देख सकते हो रिएक्शन अनबैलेंस्ड थी, हम लोगों ने कुछ कुल 7 स्टेप किए और रिएक्शन को बैलेंस कर लिया इन टर्म्स ऑफ आयन, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई सभी को? बिल्कुल अच्छी बात है अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये मैथड जो है वो थोड़ा सा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि एट द लास्ट हमें हिट एंड ट्रायल तो अप्लाई करना ही पड़ा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? एट द लास्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें मोल कंसेप्ट में जो हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा था वही अप्लाई करना पड़ा है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसको और इजी और सॉर्ट आउट बनाने के लिए हमारे पास जो सेकेंड मेथड है जिसे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं वो मोर कन्वीनियंट है। तो स्टूडेंट बढ़े आगे, नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़े। चलिए, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने ये रिएक्शन नोट कर ली होगी और हर एक स्टेप को भी नोट किया होगा कि कैसे रिएक्शन बैलेंस की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं रफ कर दूं इसे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने रिवाइज किया है। क्या चीज रिवाइज की है? कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन किया जाता है और कितने तरह की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। मैं हर एक स्टेप जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, और हर उस स्टेप को यहाँ पर साथ के साथ लिखवाता हुआ चल रहा हूँ। तो चलिए मूव करते हैं हमारे सेकंड मेथड पे, और सेकंड मेथड है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसे आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कह देते हो, और ये हमारे पास में हाफ सेल मेथड भी कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके पास इसके लिए लेने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करनी होगी तो एग्जामिनर ये मेंशन करके देगा कि रिएक्शन या तो एसिडिक मीडियम में हो रही है या बेसिक मीडियम में हो रही है। हम जो पहला मेथड पढ़ रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये हमारे पास बात कर रहे हैं हम लोग एसिडिक मीडियम में। जो रिएक्शन आपको दी जा रही है वो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में परफॉर्म हो रही है। रिएक्शन क्या है? चलो रिएक्शन की बात कर लेते हैं। रिएक्शन में आयरन का एक सल्फेट अवेलेबल है जो पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, जिसके रिजल्टेंट आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है हमारे पास पोटेशियम का सल्फेट K2SO4, हमारे पास है आयरन का सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस, Fe2SO4 का होल थ्राइस, प्लस हमें मैंगनीज सल्फेट भी मिल रहा है, और इसी के साथ हमें वाटर मॉलिक्यूल भी मिल रहा है। दिस इज़ योर रिएक्शन विच वी हैव टू बैलेंस्ड इन एसिडिक मीडियम। इज दिस क्लियर? हमारा आयरन सल्फेट पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में पोटेशियम सल्फेट देगा, आयरन सल्फेट देगा, मैंगनीज सल्फेट देगा और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहा है। हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम के अंदर। ओके, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले स्टेप जो हमारे पास में है, स्टेप 1, सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास में है स्टेप 1, वो है हमारा असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एटम। रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, हर एटम को आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दीजिए। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, रिएक्शन है FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4, दैट विल गिव यू K2SO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस
MnSO4 प्लस H2O। तो अगर मैं यहाँ पर आयरन की बात करूँ, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस 2, ऑक्सीजन का है माइनस 2, सल्फर का हो जाएगा प्लस का 6। KMnO4 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है माइनस 2, पोटेशियम का है प्लस 1, तो मैंगनीज का हो जाएगा हमारे पास में प्लस 7। मैंगनीज का कितना हो जाएगा हमारे पास में प्लस 7। देखिए, अगर मैं H2SO4 की बात करता हूँ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस 2, हाइड्रोजन का प्लस 1, सल्फर का हो जाएगा हमारे पास प्लस 6। नेक्स्ट, अगर हम फिर से मूव करते हैं, ऑक्सीजन माइनस 2, पोटेशियम प्लस 1, सल्फर प्लस 6, ऑक्सीजन माइनस 2, सल्फर प्लस 6, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, दैट इज प्लस 3, ये प्लस 2 नहीं है। ओके, मैंगनीज का हम बात कर रहे हैं, इट इज़ प्लस 2, ऑक्सीजन माइनस 2, सल्फर प्लस 6, ऑक्सीजन माइनस 2, हाइड्रोजन प्लस 1। हमने रिएक्शन में जितने भी एटम आप लोगों को दिए हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिया है। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्टेप की तरफ, वो है हमारे पास आइडेंटिफाई रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड सेपरेट देम। आपको क्या करना है, देखो हम सेपरेट देम क्यों कर रहे हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को अलग अलग हमें लिखना है और हमें ये बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो अगर मैं आयोनिक फॉर्म की बात करता हूँ, तो हमारा आयरन जो है ये प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से जा रहा है आयरन की प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, और तो क्या ये हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्या ये हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, बिल्कुल है। चलिए, अगर अब हम बात करते हैं, हमारे पास मैंगनीज ऑक्साइड है, जहां पर मैंगनीज हमारा प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट से जा रहा है Mn प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, ये गया है प्लस 7 से प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये रिडक्शन है। अगर ये रिडक्शन है तो डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। आप लोगों को पता चल गया किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इज दिस क्लियर, ये बात समझ में आ गई। देखो, मैंने यहाँ पर MnO4 माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये K+ बनाएगा और MnO4 माइनस आयन बन जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, स्टेप थर्ड हमारे पास हो जाता है, देखो हम बात कर रहे हैं बैलेंस बोथ रिएक्शन अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। स्टूडेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी आपके पास में एटम है उन्हें आप बैलेंस कर दीजिए। तो देखो, यहाँ पर भी आयरन एक है, यहाँ पर भी आयरन एक है, रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ पर मैंगनीज एक है, यहाँ पर मैंगनीज एक है, मैंगनीज के रेस्पेक्ट में रिएक्शन बैलेंस है। मैंने लिखा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बैलेंस नहीं करना है। चलिए, अगर ये रिएक्शन ऑलरेडी हमारी बैलेंस्ड है, तो हम मूव करते हैं हमारे स्टेप नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज स्टेप नंबर 4? अब हम बात कर रहे हैं बैलेंस रिएक्शन फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्विस्ट आता है, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है स्टूडेंट, इसमें आपको ध्यान रखना है, क्या ऐड वाटर मॉलिक्यूल। पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, ऐड वाटर मॉलिक्यूल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए आप क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल को जहां पर भी रिक्वायरमेंट है वहां पर ऐड कर दो। और क्योंकि ये रिएक्शन हमारी एसिडिक मीडियम में हो रही है स्टूडेंट,
क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो जितने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे, सॉरी जितने भी हाइड्रोजन एटम होंगे, उन्हें बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, H प्लस को ऐड कर देना है उसके रेस्पेक्टिव साइड में, उसके रेस्पेक्टिव साइड में H प्लस को बैलेंस कर देना है। स्टूडेंट, क्या हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन है? नहीं है। क्या ऑक्सीजन है? नहीं है। तो हम इस रिएक्शन को एज इट इज़ लिख देते हैं, ये बन जाता है Fe प्लस टू विच इज़ कन्वर्टेड टू Fe प्लस थ्री में। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कंसेप्ट हो गया। हम बातें आते हैं रिडक्शन वाले पार्ट पर। देखो, रिडक्शन वाले पार्ट पर हमें ये बात पता है कि MnO4 माइनस वन है। देखो, MnO4 पर माइनस वन का चार्ज है, ये कन्वर्ट हो रहा है Mn प्लस टू में। इसका मतलब रिएक्टेंट साइड चार ऑक्सीजन के एटम हैं, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के एटम नहीं हैं। तो मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर वाटर ऐड कर दिया, और क्योंकि वाटर में एक ही ऑक्सीजन है इसलिए मुझे चार वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने होंगे। तो क्या हमारा ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गया है? बिल्कुल, हमारा ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम जनरेट हो गई है। क्या प्रॉब्लम जनरेट हो गई है? कि यहाँ पर हाइड्रोजन के आयन आ गए हैं, और वो भी 8, 4 × 2, 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन के आयन H प्लस ऐड कर देंगे। देखो, मैंने लिखा था बैलेंस रिएक्शन फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके, फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H प्लस आयन ऐड करके। क्या ये दोनों रिएक्शन एटम के रेस्पेक्ट में बैलेंस हो गई हैं? स्टूडेंट, यस, बिल्कुल रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे स्टेप नंबर 5 की तरफ। क्या है हमारा स्टेप नंबर 5? अब हमें क्या करना है, बैलेंस रिएक्शंस चार्ज वाइज। जो आपको रिएक्शन दी गई है, हमें हर स्पीशीज का रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड चार्ज बराबर कर देना है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। जिस भी साइड आपको सूटेबल लगे कि इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है या ज़्यादा है, तो उनके रेस्पेक्टिव साइड हम इलेक्ट्रॉन ऐड करके बैलेंस कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर Fe प्लस टू है और यहाँ पर Fe प्लस थ्री है। स्टूडेंट, प्लस टू है और प्लस थ्री है। अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, तो क्या 3 − 1 2 हो जाएगा? 3 − 1 2 हो जाएगा। तो 2 + 2 और +2 बराबर है? बिल्कुल है। चलो, हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर है हमारे पास में 8H+ और हमारे पास में है MnO4-, तो टोटल चार्ज रिएक्टेंट साइड कितना हो गया हमारे पास में, 8 − 1 प्लस का 7। कितना हो गया? प्लस का 7। और अगर मैं प्रोडक्ट साइड बात करता हूँ, तो हमारे पास में यहाँ पर हो जाता है Mn प्लस टू और वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि न्यूट्रल है, तो ये हमारे पास एज इट इज़ ही आ जाएगा। स्टूडेंट, ये देखो, यहाँ पर टोटल चार्ज आ रहा है प्लस का 7 और यहाँ पर टोटल चार्ज आ रहा है प्लस का 2। तो क्या मैं इस 7 को 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ? बाय एडिंग 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, देखो, +8 − 1 +7 हो गया, और +7 − 5 कितना हो गया? +2। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड का चार्ज है वो बैलेंस हो गया है। इज दिस क्लियर? स्टूडेंट, समझ में आ गई ये बात आप लोगों को? हमारी रिएक्शन जो है वो एटम वाइज भी बैलेंस्ड है और चार्ज वाइज भी बैलेंस है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देना है। ऐड कैसे करना है? ऐड इस तरह से करना है कि दोनों ही साइड हमारा जो रिएक्शन, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद में हम इसको इस रिएक्शन में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5 Fe + 2 + 8
एच प्लस प्लस एम एन ओ फोर माइनस एम एन ओ फोर माइनस प्लस फाइव इलेक्ट्रॉन दैट विल गिव यू फाइव एफ ई प्लस थ्री प्लस फाइव इलेक्ट्रॉन प्लस एम एन प्लस टू प्लस फोर एच टू। दिस इज योर कंप्लीट रिएक्शन जो एटम वाइज और चार्ज वाइज भी हमारी बैलेंस हो गई है। यहाँ पर फाइव इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी फाइव इलेक्ट्रॉन है, क्या इन्हें कैंसिल आउट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो हमारी जो बैलेंस रिएक्शन बन जाएगी वो है फाइव एफ ई प्लस टू प्लस एट एच प्लस प्लस एम एन ओ फोर माइनस दैट विल गिव यू फाइव एफ ई प्लस थ्री प्लस एम एन प्लस टू प्लस फोर एच टू ओ। स्टूडेंट, ये हमारी बैलेंस रिएक्शन निकल करके आ गई है जो कि चार्ज वाइज भी बैलेंस है और एटम वाइज भी बैलेंस है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 5 प्लस 2 ये चार्ज कितना है, प्लस का 10, ये है हमारे पास प्लस का 8 और ये है हमारे पास माइनस का 1। तो टोटल चार्ज कितना हो गया हमारे पास में, प्लस 17। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितना है पॉजिटिव, 5 इंटू प्लस 3 तो ये हो गया प्लस 15 और ये हो जाएगा प्लस 2, टोटल हो गया प्लस 17। ये पूरी रिएक्शन चार्ज वाइज भी बैलेंस है और एटम वाइज भी बैलेंस है। तो हमारा जो टास्क था रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का वो फुलफिल हो गया है। लेकिन अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है और यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है। क्या हम इस आयोनिक फॉर्म को न्यूट्रल एटम की, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, हम बात कर रहे हैं 5FeSO4 के बारे में, क्योंकि ये जो प्लस 2 था वो इस SO4 से आया था, बिल्कुल आया था। अब इधर देखो, ये क्या है, 8H प्लस है, जबकि ये H प्लस कहाँ से आ रहे थे, एसिडिक मीडियम में से आ रहे थे। और इस एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के दो हैं। तो क्या मैं इसे 4H2SO4 लिख सकता हूँ? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अब देखो MnO4 कितने हैं, यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर भी KMnO4 हमारा एक ही रह जाएगा। चलो, हम बात कर रहे हैं Fe+3 के बारे में, कितने आ रहे हैं Fe+3, 5 आ रहे हैं, ये बन जाएगा 5Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस मैंगनीज कितना है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी ये एक ही होगा, MnSO4 हमारा हो जाएगा प्लस रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड ही है। देखो यहां पर हमें क्या करना है, ये 5 है आयरन और यहां पे इस मॉलिक्यूल में 2 है। स्टूडेंट गौर से देखिएगा, इस पूरे मॉलिक्यूल में देखो Fe+3 जो है वो इस वाले मॉलिक्यूल से आ रहा था और इस मॉलिक्यूल के इस एक मॉलिक्यूल में 2 Fe के एटम है, जबकि यहां पर 2 आ रहे हैं। तो हमें यहां पर 5/2 करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं मैंगनीज के बारे में, मैंगनीज भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं पोटेशियम के बारे में, पोटेशियम हमारा आ रहा है K2SO4, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 K2SO4, क्योंकि ये देखिए कि यहाँ पर एक KMnO4 है तो हमारे पास में पोटेशियम यहाँ से तो यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, ये हो जाएगा 1/2 K2SO4 प्लस H2O। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो दो मॉलिक्यूल हैं ये फ्रैक्शन में आ रहे हैं, हम इस पूरी रिएक्शन को, ये जो पूरी रिएक्शन हम लोगों ने लिखी है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो फ्रैक्शन में आ रहा है वो कंप्लीट बन जाए। तो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो जाएगी 10FeSO4 प्लस 8H2SO4 प्लस 2KMnO4 दैट विल गिव यू 5Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 2MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 2H2O। स्टूडेंट ये हमारी कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई है और वो भी एसिडिक मीडियम में। ये किस में बैलेंस रिएक्शन है, हमारी एसिडिक मीडियम में। आप देख सकते हो
आयरन के सल्फेट आयन, वो हाइड्रोजन एटम और पोटेशियम और मैग्नीशियम एटम सब बैलेंस्ड हैं। बट ये रिएक्शन हमारी कौन से मीडियम में बैलेंस हो रही है? एसिडिक मीडियम में। क्लियर है ये बात? सबको समझ में आ गई? स्टूडेंट, मैंने हर एक स्टेप को आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, और इसी तरह से आपको यहाँ पर बैलेंसिंग करनी है। ये है हमारे पास में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है, ये बहुत अच्छा इफेक्टिव मेथड है, जहाँ पे हमें हिट एंड ट्रायल करना ही नहीं है। हम जैसे जैसे स्टेप बढ़ेंगे, हमारी रिएक्शन बैलेंस होती चली जाएगी। क्लियर, समझ में आ रही है बात? ये एक और एग्जांपल करें, और हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं बेसिक मीडियम के अंदर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने रिएक्शन लिख ली होगी, और आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा कि एक्चुअल में बैलेंसिंग कैसे करनी होती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एक और एग्जांपल लेकर के रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की, जिसमें हम लोग बेसिक मीडियम के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन अ बेसिक मीडियम। हमने अभी तक जो मेथड सीखा था वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ सेल रिएक्शन मेथड इन एसिडिक मीडियम। अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो रिएक्शन बैलेंस हो कंप्लीट हो रही है इन अ बेसिक मीडियम, और मैं इस मेथड के भी बेसिक मीडियम के रिएक्शन को भी स्टेप बाय स्टेप हर एग्जांपल लेकर के आपको समझाने वाला हूँ। हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि आयोनिक फॉर्म में अवेलेबल है, और वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर OH- रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है। इसके रिजल्टेंट हमारे पास क्लोरीन का आयन बनेगा, क्रोमिक ऑक्साइड बनेगा हमारा, और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। स्टूडेंट, ये एक एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जो कि बेसिक मीडियम में कंप्लीट हो रही है, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्लोरीन, क्रोमियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास में है इस रिएक्शन को सॉल्व करने का, वो है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एटम। रिएक्शन के अंदर जो भी एटम आपको दिए गए हैं, उस हर एटम को आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास कंपाउंड, हमारे पास आयन है Cl-, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, क्लोरीन का हो जाएगा +1। अगर मैं बात करता हूँ Cr-O2- की, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं OH- आयन के बारे में, हाइड्रोजन का है +1, ऑक्सीजन का है -2। प्रोडक्ट साइड आते हैं, हमारे पास आयन है क्लोरीन माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1। हमने बात की Cr-O4-2 के बारे में। अगर आप यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो स्टूडेंट, तो ये हमारे पास में हो जाएगा +6। कितना हो जाएगा ये हमारे पास में? ये हमारे पास +6 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, हाइड्रोजन का है +1। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो हमने हर एटम का जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसका ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिया है। अब बात आती है व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? तो सेकेंड स्टेप हमारा हो जाएगा आइडेंटिफाई रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। आपको पता लगाना है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एंड सेपरेट देम, और उनको सेपरेट करके आप लिख दीजिए। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या है, देखो क्लोरीन जो है यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन में है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाना रिडक्शन। अगर मैं क्रोमियम की बात करता हूँ, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ Cr-O2-, इट इज़ कन्वर्टिंग टू Cr-O4-2। ये हमारे पास में प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन का,
और मैं रिडक्शन की बात करूं, हम बात कर रहे हैं ClO- की, ये हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है Cl- में, तो ये हमारे पास में रिडक्शन प्रोसेस हो गया है। ये हमारे पास में क्या हो गया है, रिडक्शन प्रोसेस हो गया है। चलिए, ये समझ में आ गई बात आप लोगों को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर रहे हैं बैलेंस एटम इन बोथ रिएक्शन अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दोनों ही रिएक्शन में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एटम है उन एटम को बैलेंस कर देना है। सो स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, क्रोमियम का एक एटम है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी एक ही है, रिएक्शन बैलेंस है। क्लोरीन का एक एटम है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी एक ही है, तो हम बात करेंगे रिएक्शंस आर बैलेंस्ड। जो रिएक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा एटम के रेस्पेक्ट में है वो बैलेंस हो गई है। तो अगर रिएक्शन बैलेंस हो गई है तो हम मूव कर रहे हैं हमारे फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, अब हमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन एटम को हम लोग बैलेंस करने वाले हैं वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके, ठीक है। एंड चलो, नाउ फोर्थ स्टेप इज बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल ऑन रेस्पेक्टिव साइड। जिस साइड भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है वहां पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके आप उसको बैलेंस कर सकते हो, एंड बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+ आयन ऑन रेस्पेक्टिव साइड, और जिस साइड आपके हाइड्रोजन की कमी हो रही है वहां पर आप H+ आयन कनेक्ट करके रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। कैसे, वन बाय वन बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास में CrO2- है, ये कन्वर्ट हो रहा है CrO4-2 में। स्टूडेंट, अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के एटम 4 हैं, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के एटम 2 हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूँ तो क्या मेरी रिएक्शन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बैलेंस हो गई है? बिल्कुल हो गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम और जनरेट हो गई है। क्या जनरेट हो गई है, यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम आ गए हैं, तो हाइड्रोजन के एटम जितने आ रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में अदर साइड हम हाइड्रोजन आयन ऐड कर देते हैं। क्लियर है ये बात, ये समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं रिडक्शन रिएक्शन की बात करता हूँ, मेरे पास ClO- है जो कन्वर्ट हो रहा है Cl- में, रिएक्टेंट में एक ऑक्सीजन एटम है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एटम है ही नहीं, तो मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूँ। अगर वाटर मॉलिक्यूल मैंने ऐड किया है तो H+ आ गया, उसके रेस्पेक्ट में मुझे रिएक्टेंट में 2H+ भी ऐड करने होंगे, मुझे रिएक्टेंट में 2H+ भी ऐड करने होंगे। स्टूडेंट, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखो, जहां पर मैंने वाटर ऐड किया एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, उसके अब रिएक्टेंट में मैंने वाटर ऐड किया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, तो प्रोडक्ट में वाटर ऐड किया है मैंने रिडक्शन रिएक्शन में। H+ अगर मैंने प्रोडक्ट में ऐड किया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, तो रिडक्शन में हम H+ ऐड करेंगे रिएक्टेंट साइड। ये क्लियर है, अपोजिट चल रहा है। लेकिन स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर H+ आयन ऐड किए हैं। H+ आयन ऐड करने का मतलब ये है कि हम ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन तो बेसिक मीडियम में हो रही है, मैंने पहले ही आपको कह दिया था। तो अब हमारे पास एक स्टेप और ऐड हो जाती है, वो स्टेप क्या है स्टूडेंट, जितने आपने H+ ऐड किए हैं दोनों ही रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और रिडक्शन रिएक्शन में,
जितने भी आपने H+ ऐड किए हैं उतने सेम अमाउंट के OH- दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड ऐड कर दीजिए। कैसे हम देखते हैं, स्टेप फिफ्थ हमारा आ जाएगा एज रिएक्शन टेक प्लेस इन बेसिक मीडियम। ये रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम में हो रही है, सो एड सेम अमाउंट ऑफ OH माइनस ऑन बोथ साइड एज H प्लस एडेड। जितने H प्लस आपने ऐड किए हैं या तो रिएक्टेंट में ऐड किया होगा या प्रोडक्ट में ऐड किया होगा उतने ही OH माइनस दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में आप ऐड कर दीजिए। तो अगर मैं आपसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करता हूँ, तो हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखिए रिएक्शन क्या है, 2H2O प्लस CrO2 माइनस इट इज कन्वर्टेड टू CrO4 माइनस 2 प्लस 4H प्लस, यस और नो, यही था। अब मुझे इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में कराने के लिए अगर मैंने 4H प्लस ऐड किया है तो मुझे 4OH माइनस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में भी ऐड करने होंगे। अगर मैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात कर लेता हूँ तो हम 4OH माइनस दोनों साइड ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गई, देखो फोर्थ स्टेप पे मैंने 4H प्लस यहाँ पर ऐड किया था प्रोडक्ट साइड, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को बैलेंस करते टाइम 4H हाइड्रोजन आइटम आ गए थे। तो जितना मैंने H प्लस ऐड किया उतने ही OH माइनस मुझे दोनों साइड ऐड करने हैं, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है। और अगर मैं बात करता हूँ आपसे रिडक्शन पार्ट की, तो हमारे पास में जैसे रिएक्शन है 2H प्लस प्लस ClO माइनस दैट विल गिव यू Cl माइनस प्लस H2O। स्टूडेंट आप ये बात देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दो हाइड्रोजन के एटम ऐड किए थे, तो मुझे बेसिक मीडियम में कंप्लीट कराने के लिए रिएक्शन को सेम अमाउंट के OH माइनस दोनों साइड ऐड कर देने होंगे। क्लियर, अब आप ये देख सकते हो ये हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, हाँ या नहीं, बिल्कुल। तो हमारे पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखो मैं इसी में एडिट कर देता हूँ, ये मेरे पास बन गया 2H2O और ये मेरे पास बन जाएगा 4H2O। इज दिस क्लियर, ये समझ में आ गई बात स्टूडेंट। ये जो रिएक्शन है अब एटम वाइज भी बैलेंस हो गई है लेकिन चार्ज वाइज बैलेंस नहीं हुई है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा सिक्स स्टेप क्या आ जाएगा, स्टेप सिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस बोथ रिएक्शन चार्ज वाइज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करके आप रिएक्शन को चार्ज वाइज बैलेंस कर सकते हो। तो अब आप ये देखिए मेरे पास में ऑक्सीडेशन में रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज है, माइनस फोर और माइनस का वन, कितना आ गया, माइनस का फाइव चार्ज है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड चार्ज आ गया मेरे पास माइनस का फाइव और प्रोडक्ट साइड मेरे पास चार्ज है माइनस का टू, क्योंकि H2O पर तो कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा माइनस का टू। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर थ्री इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो क्या माइनस फाइव और माइनस फाइव दोनों बराबर हो जाएगा, यस yes। तो अब तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है उसका चार्ज बैलेंस हो गया है। अब हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट का चार्ज कितना है, माइनस का वन, प्रोडक्ट के चार्ज की हम बात करते हैं देख लीजिए कितना है, माइनस वन और माइनस टू, कितना हो गया, माइनस का थ्री। तो क्यों ना मैं यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ, जैसे ही मैंने दो इलेक्ट्रॉन ऐड किए जो हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है वो भी चार्ज वाइज बैलेंस हो जाती है। क्लियर, क्या ये रिएक्शन हमारी चार्ज वाइज बैलेंस हो गई है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों को, अच्छा
अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों रिएक्शन है ये एटम वाइज भी बैलेंस्ड है और चार्ज वाइज भी बैलेंस्ड है, बट अभी भी ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, सॉरी ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, हमें इन दोनों को ऐड करना है ताकि रिजल्टेंट जो हमारी आयोनिक इक्वेशन है वो हमें मिल जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन है उनको नलीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, और जो हमारी रिडक्शन रिएक्शन है उस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये 2 × 3 बन के 6 हो जाएगा, और ये जो रिडक्शन रिएक्शन है इसको 3 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 2 × 3 बन के 6 हो जाएगा, दोनों नलीफाई हो जाएंगे, तो हमारे पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, इट इज़ 8 OH- + 4 H2O + 2 CrO2- दैट विल गिव यू 2 CrO4- 2 + 8 H2O + 6 इलेक्ट्रॉन। इज दिस क्लियर? और अगर मैं इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन + 6 H2O + 3 Cl O- दैट विल गिव यू 3 Cl- + 3 H2O + 6 OH-। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इस इन दोनों ही रिएक्शन को, जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, इनको आपस में ऐड करना है। सॉरी यहाँ पर आएगा 6, 3 नहीं आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि 2 × 3 है ना स्टूडेंट, 2 × 3 है तो 6 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल आउट हो गया, आप ऐसे देख सकते हो यहाँ से 6 H2O कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पर 2 H2O रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब जैसे यहाँ पर 3 H2 है तो हमारे यहाँ पर एक ही H2O रह जाएगा, और अगर हमारे पास यहाँ पर 6 OH है तो हमारे पास यहाँ पर 2 OH- रह जाएगा, तो हमारे पास रिएक्शन क्या बन जाएगी, इट इज़ 2 OH- + H2O + 3 Cl O- + 2 CrO2- दैट विल गिव यू 2 CrO4- 2 H2O + 3 Cl-। स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो ये रिएक्शन जो हमें आयोनिक फॉर्म में अगेन मिल गई है, ये रिएक्शन एटम वाइज भी बैलेंस्ड है और ये रिएक्शन चार्ज वाइज भी बैलेंस्ड है। देख लीजिए, पहले एटम वाइज बात करें, हमारे पास में क्लोरीन के तीन एटम है दिख रहा है, क्रोमियम के दो एटम है ये भी दिख रहा है, हाइड्रोजन के दो एटम है और दो एटम यहाँ पर है और दो एटम यहाँ पर है, तो टोटल 4 एटम हो गए हमारे पास, ये भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखो 2 + 1 3 + 3 6 6 और 4 कितना हो गया हमारे पास में 10। ऑक्सीजन कितने हैं 10, यहाँ पर बात कर लीजिए 4 × 2 8 और 2 10, तो ये रिएक्शन एटम वाइज भी बैलेंस्ड है और ये रिएक्शन चार्ज वाइज भी बैलेंस्ड है, तो हमारा बैलेंसिंग का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। हर स्टेप बोर्ड पर लिखा गया है, स्टूडेंट इसी तरह की रिएक्शन को प्रैक्टिस कीजिएगा बेसिक मीडियम में। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, और इसके लिए हमने टोटल 2 मेथड देखे हैं, एक देखा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक हमने देखा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ सेल रिएक्शन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमने बात की, रिएक्शन या तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो सकती है या बेसिक मीडियम में बैलेंस हो सकती है। स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।